नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक Redmi का मोबाइल है, Redmi 8A, और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अगर आपको कोई भी कॉल कर बार बार परेशान करता है तो आप उस नंबर को किस प्रकार से ब्लैकलिस्ट में ऐड कर उस नंबर से छुटकारा पा सकते हो, और अगर आपसे कोई भी नंबर गलती से ब्लैकलिस्ट में चला जाता है तो आप उसको किस प्रकार से बहुत ही आसानी से अनब्लॉक कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे जो नंबर आपने ब्लॉक कर रखा है उसका नोटिफिकेशन आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे किसी भी नंबर को आप किस प्रकार से बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर सकते हो। आपको डायलर बटन पे जाना है, डायलर बटन पे जाने के बाद में आपको जिस भी नंबर को ब्लॉक करना है आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में 3 डॉट्स पे जाना है और ये ब्लॉक, इस प्रकार से आप उस नंबर को ब्लॉक कर सकते हो। या हमने ब्लॉक कर दिया, फिर हमें दूसरा नंबर हमें ब्लॉक करना है। आपको क्या करना है, आपको उस नंबर के ऊपर चले जाना है जिस भी नंबर को आपको ब्लॉक करना है, ओपन करें और ये ब्लॉक। इस प्रकार से हमने 2 नंबर ब्लॉक कर दिए और नंबर हम इसके अंदर ब्लॉक कर देते हैं एक और। हम इसको देखिए, हमने ओपन किया और ये हमने ब्लॉक। ये तो थे हमारे नंबर को हमने ब्लॉक करना। अगर हमसे कोई भी नंबर गलती से ब्लैकलिस्ट में ऐड हो जाता है तो हम उसको किस प्रकार से अनब्लॉक करें, या फिर हम ब्लॉक नंबर का नोटिफिकेशन हम कैसे देखें कि कौन सा नंबर हमसे कॉल करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखें हमारे फोन के अंदर एक सिक्योरिटी करके ये हमारा ऑप्शन आता है। ये देखिए इस प्रकार से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज स्कैनिंग चलेगी और यहाँ पर देखिए ब्लॉक लिस्ट है, हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए SMS यानी कि जो नंबर आपने ब्लैकलिस्ट में ऐड कर रखे हैं वो नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और जो कॉल्स आपने ब्लॉक किए वो यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए आपने ये ब्लॉक कर रखी, आपको यहाँ से डिलीट ऑल कर देना है। इस प्रकार से आप उनको अनब्लॉक कर सकते हो। ये देखिए हमने यहाँ से डिलीट ऑल कर दिया और ये हमारी ब्लॉक लिस्ट में से जो भी नंबर हमने ऐड किए थे ये हमने सारे के सारे नंबर को डिलीट कर दिया। यहाँ पर सेटिंग में से भी आप देख सकते हो कॉल ब्लॉक लिस्ट, आप यहाँ पर देखोगे ये देखिए कॉल ब्लॉक लिस्ट का स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है आपका, सारे के सारे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है, हिडन कॉल्स का दिखा रहा है, आपके ब्लॉक फॉरवर्डिंग कॉल के बारे में आपको दिखा रहा है, ये सारी की सारी यहाँ पर ये देखिए ब्लॉक्ड नंबर हमें यहाँ पे दिखा रहा है, जो नंबर हमने ब्लॉक किए हैं ये यहाँ से आपको रिमूव कर लेने। इस प्रकार से सिलेक्ट करके जिस भी नंबर को आपको रिमूव करना है सिलेक्ट करिए, सारे के सारे को एक साथ करना तो सिलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए, और ये देखिए हमारे यहाँ से सारे के सारे नंबर रिमूव हो गए हैं ब्लैकलिस्ट से। हम आपको मॉडल चेक करा देते कौन सा है, हम इसके सेटिंग में आते हैं, अबाउट फोन में आते हैं, और ये देखिए हमारा मॉडल है Redmi 8A। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे Redmi 8A में कोई भी नंबर को ब्लैकलिस्ट में ऐड किया और ऐड नंबर को हमने बहुत ही आसानी से ब्लैकलिस्ट से रिमूव किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।